आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यामी गौतम स्टारर लॉस सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हो गई है। पिंक फेम अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इस फिल्म का निर्देशन किया है। आइए देखते हैं कि एक युवा महिला क्राइम रिपोर्टर की कहानी है जो एक युवा थिएटर एक्टिविस्ट के अचानक गायब होने की कहानी पर कर रही है। ईशान भारती नाम का एक युवा थिएटर कलाकार लापता हो जाता है और जल्द ही पुलिस ब्रॉट करती है कि ईशान एक माओवादी है। विधि सहानी जो एक क्राइम रिपोर्टर है, ईशान के लापता होने के पीछे की वास्तविक सच्चाई जानने का फैसला करती है। विधि को अंकिता चौहान पर शक होता है जो ईशान के साथ संबंध में रही है। ईशान के लापता होने के लिए विधि एक राजनेता रंजन वर्मा पर भी शक करती है। कहा गया है कि ईशान जीवित है या मर चुका है, उसके लापता होने के पीछे का क्या कारण है। फिल्म के पास सारे जवाब हैं। हालांकि फिल्म में जिन मुद्दों को संबंधित किया गया था उनकी प्रासंगिकता जिस तरह से फिल्म को बताया गया है वह आकर्षक नहीं है। फिल्म असंगत है और निश्चित रूप से दर्शकों को बोरियत देगी। लॉस्ट जैसी फिल्मों के लिए रश्मि पटकथा और ध्यान आकर्षित करने वाले दृश्यों की जरूरत होती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म में प्रमुख रूप से गायब है। यामी गौतम की प्रतिभा का आखिरकार बाला, ए थर्सडे, लॉस्ट जैसे प्रदर्शनों के साथ अच्छा उपयोग किया जा रहा है। आखिरकार उसे अच्छी भूमिकाएं मिल रही हैं। जिस तीव्रता के साथ वह उन किरदारों को निभा रही है, पिछले कुछ वर्षों में उसे अगले दरवाजे पर अच्छी दिखने वाली चुलबुली लड़की के रूप में छूट दी गई है। लेकिन एक बार जब आप लॉस्ट देख लेते हैं तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि उसके लिए केवल अच्छे दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। जिस तरह से वह न केवल गंभीर दृश्यों से भावुक हो जाती है बल्कि कुछ स्थूल दृश्यों में खुद को जमीन से और मानवीय रखने में भी कामयाब होती है। वह शानदार है जब वह एक भ्रष्ट राजनेता के खिलाफ खड़ी होती है तो वह उग्र होती है, लेकिन साथ ही एक मृत शरीर को देखकर उल्टी करने से नहीं कतराती। उसके चरित्र में विपरीतता है, ये इस कहानी को एक बेहतरीन घड़ी बनाती है। पंकज कपूर से बहुत अधिक उम्मीद थी, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके पास बहुत ही कम चरित्र है। दृश्य है जहां पंकज कपूर को पार्क में दो गुंडों से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहता। उनका किरदार दादा की भूमिका निभाने वाले किसी भी अन्य वरिष्ठ अभिनेता की तरह ही है। राहुल खन्ना आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 20 साल पहले हॉलीवुड में दिखते थे। यह शर्म की बात है कि हम उन्हें पर्दे पर ज्यादा बार नहीं देख पाते। एक भ्रष्ट राजनेता के रूप में वह एक ही समय में एक सौम्य बातूनी आपराधिक और मास्टरमाइंड का सही मिश्रण है। पिया वाजपेयी का किरदार इतना उलझा देने वाला है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि वह किस ओर झुकी हुई है। एक पल में वह इस मजबूत समाचार एंकर की भूमिका निभा रही है, अगले ही पल वह शर्मीली और वश में करने वाली महिला है। किरदार के लिए पिया वाजपेयी की बदलती भावनाएं उनके लुक को बहुत भोला बना देती है, और ये सिर्फ एक ऐसी महिला के चरित्र को के साथ न्याय नहीं करता है जो मजबूत राय रखती है। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति और सिनेमा सबसे शक्तिशाली और सहसंबंधित विषय है, और हमने ये विषयों के आसपास बहुत कम फिल्में देखी हैं। स्क्रीन पर कुछ भी पेश करने से पहले हर पहलू को सही रखना भरे लेखन से सहमित प्रदर्शनों और आशा को बेहाल करने वाली न्याय प्रणाली की सच्ची घटनाओं के साथ इसे एक साथ रखा। यामी गौतम की फिल्म लॉस्ट पूरी तरह से थ्रिल सीक्वेंस में लिपटी होने के बावजूद सही सवाल पूछते हुए सहानुभूति के मूल्यों को खो चुकी है। कोलकाता के अंडरबेली में सेट किया गया यह जांच नाटक उन पत्रकारों के लिए एक सम्मान है
जो सच्चाई को उजागर करने और उससे अपने शब्दों में दुनिया के सामने लाने के लिए बड़ी लंबाई तक जाने के दौरान अपनी मानवता और ईमानदारी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।